फिलहाल हमारा जो प्लान है वो है दिल्ली टू गोवा का, वो भी नॉन स्टॉप। उसको हम कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कितना यमुना एक्सप्रेस वे पर इस टाइम पर फॉग मिलता है वो भी बहुत अच्छे वाला। तो यहाँ पर एक शॉप तो मिली है, अभी बात करके देखते हैं क्या होता है। सो भाई बाइक होगी सारी की सारी परफेक्ट, निकलते भी फटाफट क्योंकि टाइम से बहुत ज़्यादा लेट है। सो इस ट्रिप में जा रहे हैं हम दिल्ली से गोवा 2000 किलोमीटर नॉन स्टॉप। देखने में आपको काफी मजा आने वाला है, बने रहिएगा इस ट्रिप के इस सीरीज के लास्ट तक। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग फ्रॉम हाईवे मसाला, मेरठ रोड कर यमुना एक्सप्रेस वे। सो स्टार्टिंग में मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं कर पाया जब मैं घर से निकला था। सो क्यों, अपने लोगों का यहाँ पर पहले गेट टुगेदर होना था और अपन की यहाँ पर इस टाइम एक मेगा राइड होने वाली है, काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, लगभग 15-16 दिन के आसपास होने वाली है। सो फिलहाल हमारा जो प्लान है वो है दिल्ली टू गोवा का, वो भी नॉन स्टॉप। उसको हम कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कितना पॉसिबल है ये चीज़ें, वो तो जाने के बाद ही पता लगेगा। सो फटाफट से अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं एज यूजल अपनी टैग लाइन के साथ में, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। सो जस्ट अभी पेट्रोल पंप से निकल रहे हैं और ये पेट्रोल पंप है हाईवे मसाला का। अगर आप जा रहे हैं तो आगरा तक पेट्रोल का थोड़ा सा मुश्किल ही रहती है, तो मेक श्योर गाइस यहाँ से फुलफिल करा के चलो। और अभी बस फटाफट निकलते हैं, आगरा में लेंगे दूसरा ब्रेक क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़, आवाज़ मेरी थोड़ी सी डाउन लग रही होगी आपको। हाँ, आवाज़ मेरी थोड़ी सी डाउन लग रही होगी, अभी भूख लग रही है, पता नहीं कैसे अभी हो जाता है कभी कभी। शाम को मैंने खाना खाया था पर जल्दी डाइजेस्ट हो गया, पता नहीं इस बार। सो चलते हैं, जर्नी अपनी काफ़ी लंबी है, 2000 किलोमीटर के आसपास है, 2037 किलोमीटर है मेरे ख्याल से मेरे घर से जो मैंने डिस्टेंस देखा था। तो फिलहाल मैप की ज़रूरत है नहीं, बिना मैप के चल रहे हैं और अंधेरा है। और गाइस एक गुड न्यूज़ है, मैंने अभी GoPro Hero 12 लिया है, लेटेस्ट GoPro है आपको मालूम ही है। बाकी पता नहीं लो लाइट इसका कितना अच्छा है, मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ इसे और आवाज़ का नहीं कह सकता कि मेरी वॉइस वगैरह कैसी आ रही होगी यहाँ पर। तो अभी देखते हैं अंधेरे में मैं कितना शूट कर पाता हूँ कितना नहीं। तो फटाफट से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और सेकंड ब्रेक पर पहुँचते हैं जो कि है हमारा आगरा में। तो बिना देर करें निकलते हैं फटाफट से आगे की ओर। सामने आ गया हमारा पहला टोल और ये आई थिंक जेवर का टोल है यमुना एक्सप्रेस वे पर। और जस्ट मेरे आगे चल रहे हैं अभी भरत भाई, उनके आगे चल रहे हैं जगत भाई और जस्ट उनके आगे चल रहे हैं अभी राजीव भाई। सो चांडाल चौकड़ी निकल गई एक बार फिर से हंगामा करने के लिए। और यहाँ तो सब जगह क्रॉस लगा हुआ, नहीं नहीं है ठीक है ठीक है। कितना अभी आगरा तक का? 205 रुपये। बढ़िया सर, 205 रुपये का भाई टोल है आगरा तक का। तो 315 रुपये का शायद वो लखनऊ एक्सप्रेस वे पर था, और हो सकता है थोड़ा हो जाती है भूल चूक मिस्टेक। आ चुका है मथुरा वाला टोल और हमको कोई पैसा नहीं देना, फटाफट से टोल कटवा कर और करते हैं बाकी भाई लोगों का इंतज़ार क्योंकि मैंने थोड़ा सा खींचा मार दिया था इतने चिरोड़ के तो रोक नहीं पाया। तो फटाफट से टोल कटवाते हैं, टोल क्या पर्ची दिखानी होती है बस। बहुत मुस्कुरा रहे हो, हेलमेट देख रहे हो, सही लगा, मजा आ गया। फाइनली आ गया है आगरा का टोल। और ये टू व्हीलर का क्या चक्कर है, ये टू व्हीलर का कहीं दिख ही नहीं रहा मेरे को, टू व्हीलर का हिसाब किताब है। टू व्हीलर दो ही ऑप्शन है अभी यहाँ से आगरा, मतलब है थोड़ा सा दूर है, ये लास्ट टोल है यहाँ पर। अभी आगे देखते हैं क्योंकि मेरे को भूख लगी है बहुत ज़ोर से और पराठे वराठे का देखते हैं क्या हिसाब किताब है। फटाफट से यहाँ पर अपनी जो स्लिप है वो देते हैं और उसके बाद निकलते हैं अभी आगे की ओर। और रही बात वेट करना है बाकी अपने राइडर्स भाई का, वो करेंगे आगे। यहाँ तो हमारा पराठे खाने का विचार था, यहाँ तो ये सब बंद हो गए, पंछी पता नहीं क्या क्या अंट संट सब बंद हो गए। चलो एक बार आगे देखते हैं चल के, अगर कुछ मिलता है तो
बाकी लोगों का इंतज़ार करते हैं, नहीं मिलता है तो भी इंतज़ार करते हैं, उनको कम से कम एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर ही सकते हैं ना कि भाई जो हमारा पुराना प्लान था। एक्चुअली हम लोग पहले से भी ना यहाँ पर जब भी हम लोग आगरा साइड में आते तो यहीं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब करके, या ब्रेकफास्ट डिनर जो भी कह लीजिए वो सब करते हैं, लेकिन अभी तो दिख रहा है ना यहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्या बैरिगेटिंग्स वगैरह सब कर दिया है नीली नीली सी, तो ये तो बड़ा गलत सीन हो गया यार। अभी क्या ही कर सकते हैं, मुझे तो लग नहीं रहा यहाँ पर चाय भी मिलेगी। होप सो, अभी बस वेट ही कर सकते हैं इनका, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद देखते हैं क्या है। मैं कुछ ज़्यादा ही खींचा मारा है पर ठीक, पराठा वराठा सब कुछ हो चुका है, सैटरडे ऑल सेट टू गो, और अपना यहाँ पर सारा टाइम हो चुका है, 12:08 हो गए हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था यहाँ पर, और अभी हम आगरा में जस्ट अभी निकल रहे हैं। और अच्छी बात ये रही कि नॉर्मली ना यमुना एक्सप्रेस वे पर इस टाइम पर फॉग मिलता है, वो भी बहुत अच्छे वाला, आप चला ही नहीं सकते, तो शायद ऊपर वाले की थोड़ी सी कृपा रही हमारे ऊपर तो हमें फॉग नहीं मिला, ये बहुत अच्छी बात रही। हाँ सर्दी बहुत अच्छी खासी वाली सर्दी है, उस हिसाब से हम लोग प्रिपेयर्ड भी हैं आप देख सकते हैं, तो ठीक है अभी जस्ट निकलते हैं, हमें निकलना है, रास्ते तो कई हैं इधर से निकलने के लिए, और रात का समय हम लोग देखते हुए और रिस्क ना लेते हुए हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा आगरा सिटी के अंदर से, आगरा सिटी के अंदर से निकलते हुए मुरैना, मुरैना से फिर ग्वालियर, ग्वालियर से फिर गुना, तो इस वाले रास्ते से निकलेंगे। जैसे भी अपडेट होता है आपको आगे आने वाले, मतलब आगे मैं आपको बताता रहूँगा, बने रहिए मेरे साथ में, फटाफट से चलते हैं, ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, तो और अब दिखाने के लिए ऐसे कुछ खास है नहीं। मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, और अगर आपको लखनऊ जाना है तो ये वाला आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, यहाँ से निकल सकते हैं, 314-315 तक का पूरा टोल यहाँ पर लगता है, और नहीं जाना है अगर आगरा जाना है तो ये वाला रूट है जिस रूट पर अभी हम लोग चल रहे हैं। तो ये साज सज्जा देख के आपको लग ही गया होगा कि हम लोग आगरा में सिटी के अंदर में प्रवेश कर ही चुके हैं, सो फाइनली कहने का वक्त आ चुका है। सो गाइस वेलकम, वेलकम टू द आगरा गाइस, वेलकम, और आपके साथ में मेरा भी स्वागत है, द सिटी ऑफ ताजमहल, द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। ओ पेट्रोल टाइम, इट्स रिफ्यूलिंग टाइम, तो फटाफट से अभी रिफ्यूलिंग भी कराते हैं और फिर निकलते हैं आगे की ओर। अभी मेरा गला आपको थोड़ा सा लग रहा होगा भारी, मैं लास्ट नाइट भी सोया नहीं था और जस्ट अभी भी मैं आज रात भी मैं नहीं सो रहा हूँ, तो अभी देखते हैं आगे क्या कंडीशन है, पहले रिफ्यूल कराते हैं फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तो पेट्रोल है यहाँ पर 96.25 आगरा में, यानी पेट्रोल का जो रेट है वो 96.25 है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस फटाफट से रिफ्यूल कराते हैं, फुल टैंक कराते हैं, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। वेलकम टू द ग्वालियर, और ये ग्वालियर का पेट्रोल पम्प जस्ट इसके पीछे ही पूरा ग्वालियर सिटी है। थोड़ा बहुत पता नहीं गोप्रो में रात के टाइम कितना दिख रहा होगा आपको, आई डोंट नो, बट ग्वालियर को हम लोग बाईपास कर रहे हैं अभी, और रात के बज रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 2:30 वाले हैं, तो अभी देखते हैं अगर आगे कहीं चाय वाय का ब्रेक मिलता है तो चाय वाय पीते हैं। और हमने अभी तक घर से लेके और यहाँ तक अभी तक हमने चला लिया है 338 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर हो ही जाएंगे, और 350 किलोमीटर होने पर हम लोग एक ब्रेक ले लेंगे चाय वाय का, क्योंकि 2:30 काफ़ी टाइम हो भी चुका है, और इस टाइम हम लोग निकल रहे हैं ग्वालियर सिटी से, और ग्वालियर जो है वो एमपी में आता है, एमपी की रोड तो क्या ही बोलूँ मैं, काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है, लेकिन यहाँ जो गैया है ना, नील गाय और प्लस गाय एकदम से ऐसा वो करती हैं, बस रोड पे एकदम से आ जाती हैं अचानक से, तो बड़ा संभल के चलने की दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग एक तो रात का टाइम है, ऊपर से ज़्यादा हम लोग स्पीड अप नहीं कर रहे, बस वही 70-80-90 तक रख रहे हैं नॉर्मल। तो गाइस बहुत देर बाद कैमरा ऑन किया, रात में आपको क्या ही दिखाता मैं, और स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो रखी हमने क्योंकि थोड़ा रात का मामला थोड़ा रिस्की वाला ही रहता है, और एमपी में आपको पता ही है गाय वाय बहुत रोड क्रॉस करती हैं, तो अपन को सेफली जाना है और सेफली आना है। तो टाइम हो रहा है अभी 7:22 और अभी जस्ट एक ले रहे हैं फ्यूल ब्रेक, और अभी गुना पहुँचने में थोड़ा सा टाइम है, फिर गुना से आगे देखते हैं क्या रूट पड़ने वाला है, शायद आई थिंक हम पुणे से होते हुए निकलेंगे, तो आई होप कि सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे और टाइम से पहुंच जाए। बाकी थोड़ा फॉगी वेदर है, आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक थोड़ा फॉगी वेदर है, यहाँ पर धूप निकलने के तो कोई चांस है नहीं, आसमान में बादल घिरे हुए हैं, और मौसम एकदम सर्द है, सर्दियों वाला मौसम है, माहौल एकदम गर्माया हुआ सर्दी को लेके। सुना है पुणे साइड में गर्मी है, गोवा साइड में आई थिंक 32-34 डिग्री टेम्परेचर है, उधर की साइड में भी उधर आपको गर्मी मिल जाए, लेकिन इधर नहीं है,
बाकी हम सब लोगों ने अपना रेन गियर वगैरह पहन लिया ताकि सर्दी से हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाए। तो गुना अराउंड यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया और सुबह का टाइम है, अभी हम पेट्रोल पंप पे रिफ्यूलिंग टाइम। और पेट्रोल भाई साहब इतना महंगा है यहाँ पर, 110 रुपये लीटर पेट्रोल है। रिफ्यूल करा चुके हैं, बस अभी निकलते हैं आगे, फटाफट से चलते हैं गुना की ओर। तो जस्ट अभी यहाँ से इंदौर रह गया है 281 किलोमीटर जो ऊपर मेरे को दिखा रहा है, बाकी बैतूल ब्यावरा ये तो बात की बात है। बेसिकली मेन टारगेट जो है वो फेमस सिटी इंदौर, द क्लीन सिटी इंदौर, तो वो अभी 281 किलोमीटर है यहाँ से। और हम लोग राइड पे निकले हैं और कोई भसड़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे जो जगत भाई हैं यानी कि डोमिनार 400 स्पार्क प्लग में से इंजन ऑयल लीक हो रहा है, पता नहीं क्या इशू है, और मैकेनिक फ़िलहाल तो हमें नहीं मिल रहा है। दूसरा भरत भाई जो हैं उनका आई थिंक कार्बोरेटर की कुछ सेटिंग गड़बड़ है, वो सेटिंग में दिखानी है। मतलब कुल मिला के ये कि एक मैकेनिक की हमें आवश्यकता है, ज़रूरत है, बाइकों को थोड़ा सा फिट एंड फाइन कराना है। दो बाइक का थोड़ा सा इशू है, माइनर इशू कह सकते हैं इसे, तो बस ये फिट एंड फाइन कराते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि टाइम हो गया 9:30 सुबह से, अभी तक हमने कुछ नहीं खाया। तो बस अभी चलते हैं आगे और अब से यहाँ से थोड़े से नज़ारे ना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से, तो आपको अब थोड़ा सा मज़ा आएगा। रात में यार क्या ही दिखाते हैं, इसलिए मैंने बहुत कम शूट करा है। और ये रास्ता मैं वैसे दिखा भी चुका हूँ आपको, उज्जैन महाकालेश्वर गया था, ओमकारेश्वर गया था मैं, तो उस वाली ट्रिप में मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। साथ के साथ आपको ये भी पता है कि मेरा एक टारगेट भी है कि मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं अपनी ऑप्टिमस प्राइम से। तो अभी क्या है, मेरे जो ज्योतिर्लिंग है वो 4 ज्योतिर्लिंग तो हो चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली शायद इस वाली ट्रिप पे 3 ज्योतिर्लिंग और हो जाने चाहिए इवेंट के साथ में, यानी कि TVS के मोटोसोल इवेंट गोवा में जो है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद में शायद हम लोग निकलेंगे दर्शन के लिए। सो ये रुठियाई करके एक जगह है, रुठियाई, तो यहाँ पर एक शॉप तो मिली है, अभी बात करके देखते हैं क्या होता है। वहाँ तो काम हुआ नहीं, मैकेनिक इज़ नॉट अवेलेबल एट द टाइम, सो कुछ रेफरेंस दिया है। आगे 7 किलोमीटर आगे जाके पता नहीं, कुछ कह रहे हैं कि वहाँ आपको डेफिनेटली 100% आपको कोई ना कोई मैकेनिक मिल जाना है। तो अभी बस फटाफट चलते हैं क्योंकि टाइम की हमारे पास भी कमी है, ऑलमोस्ट 10 बज ही गए हैं। तो जितनी जल्दी हम इन सब चीज़ों से रेक्टिफाई हो जाएंगे उतनी जल्दी अपने ट्रिप को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ कर रहे हैं हम रुठियाई गाँव को एक्सप्लोर। अच्छा है, एकदम MP के गांव देखने का मौका लग रहा है, इससे अच्छी बात और क्या है। यहाँ के लोकलाइट लोग, यहाँ मैंने एक चीज़ देखी है, ज़्यादातर लोग ना मतलब हैवी बाइक से हाई सीसी की बाइक नहीं रखते, बस ये नॉर्मल बाइक अपना इन्हीं से काम चला रहे हैं। ये देखो हर जगह आपको यही हल्की वाली बाइकें मिलेंगी, जो लोअर सीसी की बाइकें होती हैं वही आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। राघोगढ़, तो अब राघोगढ़ में हम लोग जा रहे हैं, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। बोल रहे हैं कि हाईवे पे कुछ नहीं मिलेगा, अगर आपको बाइक का कुछ भी काम कराना है तो सिटी के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो ना चाहते हुए भी हमें सिटी के अंदर अब जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं हमारे हाथ में। चलते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या समाधान निकलता भी है कि नहीं निकलता है, क्या होता है। तो भाई बाइक होगी सारी की सारी परफेक्ट, निकलते भी फटाफट क्योंकि टाइम से बहुत ज़्यादा लेट है। और सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या मजमा लगा हुआ है, और कट गया क्या, नहीं कटा, तो देखो साहब सब के सब कैसे देख रहे हैं। राइडर्स के साथ ये होता है, जहाँ जाते हैं भाई सब एकदम तमाशा से इकट्ठा हो जाता है। सो जाना हमें उधर हाईवे पे 2 किलोमीटर आगे से, इसी पर हम हो जाएंगे, फटाफट से निकलते हैं। रोड यार क्या प्यारी रोड है, पता नहीं आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देख पा रही है, ऐसे जाके ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है जैसे ऊपर स्वर्ग के लिए जा रही है भाई साहब, मजा आ गया। लेकिन गाय इनसे बड़ा डर लगता है यार, सीरियसली मजा आ रहा है अब मेरे को। और टाइम हो रहा भी 11:25। लंच ब्रेकफास्ट अपना करके निकल गए, अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं। और डिसाइड ये हुआ है कि थोड़ा सा इशू है भरत भाई की बाइक में, जगत भाई की बाइक में, तो मैं और राजीव फटाफट से निकल रहे हैं और इंदौर में TVS है। मेरी बात हो भाई साहब,
ये क्या है, आप पहले बाढ़ आई है कि क्या हुआ है? बिजली के खंभे भी पानी के बीच में लगे हुए हैं और चारों तरफ सैलाब से बना हुआ है, ऐसा जैसे डैम खोल दिया हो। आई थिंक उधर डैम लग भी रहा है, मुझे डैम है शायद उधर। एमपी सुंदर तो है यार, इसमें कोई शक नहीं है, सुंदर तो है, ग्रीनरी लाजवाब। वो कहते हैं ना एमपी गजब है। और देखो दोनों पहाड़ों को काट के बीच में से रास्ता बनाया हुआ है और इधर मेरे सामने विंड मिल चल रही है। कितनी प्यारी लोकेशन है, ओए होए 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 होए, मज़ा आ गया सीरियसली। ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कहाँ ही चल रहा हूँ। गजब यार, गजब गजब, ऑसम लोकेशन बड़ी। ये छोटे छोटे पहाड़ एमपी में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। और देखो पहाड़ को किस टाइप से काट के ये हाईवे निकाला हुआ है, मज़ा आ गया। तो भाई जस्ट अभी रुके थे रिफ्यूल कराने के लिए, बिल्कुल ही पेट्रोल झरने की कगार पे था, तो जस्ट अभी रिफ्यूल कर चुके हैं। अब बस फटाफट निकलते हैं आगे की ओर। और इंदौर है अभी 96 किलोमीटर, अभी हैं हम ख्वाजापुर में। और पेट्रोल जो है वो 109 रुपये लीटर है भाई साहब, कहाँ हमारे यहाँ पर 96 है, यहाँ पर 109 है। बहुत फ़र्क है भाई, बहुत फ़र्क है। फटाफट से फिर मारते हैं खिंचा और इंदौर में भारत भाई का पहले बाइक का पार्ट लेते हैं और फिर चलते हैं। सो गाइस फाइनली आ गए हम इंदौर सिटी में, और सिटी के अंदर में अभी जा रहे हैं हम। आई थिंक यहाँ पर एक दुगर TVS करके है, वहीं जा रहे हैं अभी वो पार्ट लेने के लिए। तो सिटी यार काफ़ी खूबसूरत सी सिटी है, मतलब अलग सी है, बिल्कुल अलग ही वाइब एकदम। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर आ रहे हैं ना मतलब एमपी की तरफ में, तो एक बार यार इंदौर ज़रूर घूम के आना, बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी सी जगह है। मैं सेकंड टाइम आया हूँ और मेरे ऐसे जाने को पता नहीं, मन नहीं करता, एक अलग ही वाइब्स है, बिल्कुल अलग वाइब्स है। नहीं रौनक और चहल पहल क्या ही बोलूँ यार। तो इसी खुशी के साथ अपने जो किलोमीटर हैं वो 850 हो चुके हैं, यानी कि 850 किलोमीटर हम लोग बाइक चला चुके हैं अभी तक। तो बस अभी देखते हैं, अभी तो काफ़ी सफ़रनामा बचा हुआ है, तो काफ़ी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा सफ़रनामा अभी बचा हुआ है। तो ठीक है, अभी आज की रात भी अपने पास है, कल का दिन भी अपने पास है, अपनी डाइट को कंटिन्यू रखेंगे। नींद को लेके थोड़ा सा इशू बस ये आ रहा है कि एक तो कल रात मैं जाग गया, ऊपर से परसों रात एक फैमिली फंक्शन था, उसकी वजह से मेरे को पूरा जागना पड़ गया। तो दो रात तो मैं ऑलरेडी जागा हुआ हूँ। ओहो BMW, अरे निकाल भाई, क्या हो गया? आज की रात मिला के 3 रात हो जाएंगी, तो 3 रातें लगातार जागना हो गया। तो ठीक है, अभी है हिम्मत शरीर में, ऐसा नहीं है ये हिम्मत जवाब दे रही है। नींद तो देखो आएगी, जाहिर सी बात है, वो कैसे कंट्रोल करके कैसे आपको अपनी राइड कंटिन्यू करने, दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द स्किल। सो भाई फाइनली आ गए हम दुगड़ TVS, यानी कि दुगड़ TVS पर। सो बस अभी बस फटाफट से अपना बाइक को लगाते हैं साइड में और राजीव भाई जाएंगे अंदर, एक यहाँ लगेज की सुरक्षा के लिए भी होना चाहिए। सो भाई फाइनली खुशखबरी, बड़ी मुश्किल से पार्ट था वो मिल गया फाइनली जाके, तो वो पार्ट हमने लगा भी दिया इसमें। और ये है इंदौर, इंदौर का करोलबाग जहाँ हम घूम रहे हैं, बाइक मार्केट कह लो यहाँ पर, सामान मतलब जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में करोलबाग है, बाइक से रिलेटेड जो भी सामान है सब मिल जाता है, ऐसी ये है। बाकी आप भी आना चाहे आ सकते हैं यहाँ पर, ये है सामने आहूजा ऑटो पार्ट्स, भाई यहीं से हमने पार्ट मिला था, क्योंकि भरत भाई की जो है वो BS3 है बाइक, BS3 तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि अब तो BS6 चल रहा है, तो उसके हिसाब से देखते हुए देखें कितना रेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी ना बिल्कुल ज़ीरो के नियर अबाउट हो जाती है। तो बड़ी मुश्किल से मिला, लेकिन मिल गया, लग भी गया, तो बहुत मतलब खुशखबरी है। अभी चेक नहीं किया है क्योंकि देखते हैं, 100+ नहीं जा रही थी, पावर ड्रॉप आउट कर रही थी, अब लगा तो दिया है यहाँ पर, यार कहाँ ही हम 100+ चला पाएंगे। अभी हाईवे आएगा तो वहाँ चेक करेंगे, बाकी अभी चलते हैं फटाफट, क्योंकि ये सब जिनकी वजह से हो पाया, प्रतीक भाई अपने AOG में है इंदौर में, इंदौर का जो AOG है ग्रुप उसमें है, तो उन्हीं की हेल्प से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। तो भाई से भी मिलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं, और बस फिर निकलेंगे अपने मंजिल की ओर। देखते हैं अभी सफ़र तो काफ़ी है, 1150 किलोमीटर अभी भी है गोवा तक के लिए, तो बस भाई से थोड़ा सा मिलके और थोड़ी बातचीत कर करा के फिर मिलते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली मिल चुके हैं हम प्रतीक भाई से भी,
जो मैं बोल रहा था कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, तो भाई के पास जा रहे हैं। बहुत देर से बात कर रहे हैं, बहुत देर से अपना कुछ पुराने मेमोरीज़ हैं, AOG की राइड थी मंडावा, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी यादें थी जो हमने आपस में दोबारा से अगेन शेयर की है। सो अगर आपने मंडावा वाले व्लॉग नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक आ रहा है, जाकर देख सकते हैं कितना हंगामा, कितना मस्ती बचाया है। बाकी की मस्ती दिखाऊंगा मोटोसोल में। अभी जस्ट निकलने की यहाँ से तैयारी, फटाफट से रैपअप होते हैं और निकलते हैं आगे की ओर। भाई बहुत ट्रैफिक है यार इंदौर में, बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं, तो बस चलते हैं अभी इंदौर को करते हैं बाय बाय कुछ दिनों के लिए। अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम मुंबई पुणे रूट पर, काफ़ी टाइम है, आज की रात भी ऐसी जाएगी राइडिंग में। कल हम पहुँचेंगे जाकर, परसों रात हम सो पाएंगे, नहीं कल रात सो पाएंगे। मैंने ना इंदौर में एक बात नोटिस करी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं एकदम स्लिम ट्रिम टाइप के हैं, और मतलब ये कहते हैं जबकि टेस्टी खाना सबसे ज़्यादा इंदौर में ही होता है, आई होप सो बोलते हैं लोग, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर इतने पतले हैं, पता नहीं क्या राज है। तो अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। भाई फाइनली अभी हैं हम मुंबई हाईवे पे, यही हाईवे पुणे भी जाता है, मुंबई भी जाता है, और यहाँ पर छोटा सा काइंड ऑफ ढाबा मिला हुआ है जो हमें खाना वाना खाने के लिए मिला है। खाना वाना खाते हैं फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। आपका सफ़र ट्रैफिक के नज़रिए से देखा जाए तो ठीक भी है और रिस्क भी है, सब चीज़ें क्या ही कर सकते हैं। चलो अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, बहुत लंबा सफ़र, अभी बहुत लंबा सफ़र है, पता नहीं अंधेरे में आपको कितना ही दिख रहा होगा। रोड के बीच में रखे हुए ट्रम और दोनों तरफ पहाड़ है, छोटे छोटे से पहाड़, तो काट के सड़क बनी हुई है। नज़ारा तो बहुत ही प्यारा है पर रात के चक्कर में क्या ही कर सकते हैं।